पेशे कानून हैं, उनके कंटेंट के बारे में और उनके इंटेंट के बारे में विपक्ष नहीं बोल रहा है। तो मैंने सोचा आज प्रधानमंत्री जी को खुश करें और जो तीन किसान के बिल हैं, खेती के बिल हैं, उनके कंटेंट का और इंटेंट का बात करें। तो पहले कानून का कंटेंट क्या है? पहले कानून का कंटेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी अनाज, सब्जी, फल खरीद सकता है, जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है। तो अगर खरीदी देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा? मंडी में कौन जाके खरीदेगा? तो पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है। इसका लक्ष्य मंडी को खत्म करने का है। दूसरे कानून का कंटेंट क्या है कि बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, जितना वो होल्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं। पुरानी मंडियों पर भी कोई पाबंदी नहीं है। इतना ही नहीं, इस बजट में इन मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए और बजट की व्यवस्था की गई है। और उस बजट के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, ये जो हमारे निर्णय है वो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना के साथ लिए गए। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा क्या करते हैं आप? सीनियर व्यक्ति है, प्लीज बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के साथी भली भांति इस बात को समझते हैं, कांग्रेस और कुछ दलों ने बड़े जोर शोर से बातें अपनी कही, लेकिन जिन बातों को लेकर के उनको कहना चाहिए कि भाई ये नहीं, ये अपेक्षा ये होती है कि उन्होंने इतना स्टडी करके आने, इतना ही नहीं, जो लोग ये कहते हैं, मैं हैरान हूं, पहली बार एक नया तर्क आया इस सदन में कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों, हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों। पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है, किसी ने किसी के गले मड़ा नहीं है, ऑप्शनल है, एक व्यवस्था है। और देश बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एक आध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। और इसलिए मांगा और दिए का मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बनाता है। दूसरे कानून का कंटेंट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का। दूसरे कानून का कंटेंट जमाखोरी को अनलिमिटेड तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का। अब तीसरा भी कानून है, तीसरा कानून का कंटेंट जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा। तीसरे कानून का कंटेंट, आपको याद होगा, स्पीकर सर
स्पीकर सर, दादा दादा स्पीकर सर, आप बजट फैमिली प्लानिंग का आप बजट पर बात, आप सर सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम दो हमारे दो। अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को चार लोग चलाते हैं। आप बजट पर चर्चा कर लें, बजट बजट पे कर रहा हूं सर, बजट पे आ रहा हूं। चार लोग चलाते हैं, हम दो और हमारे दो। माननीय अध्यक्ष जी, ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत, और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते हैं वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है, लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, मान के चलो। माननीय अध्यक्ष जी, ऑर्डिनेंस के बाद और पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है, एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो, ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। और इसलिए प्लीज अधीरंजन जी, अब ज्यादा हो रहा है, अधीरंजन जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हूं, और मैंने पहले कह दिया, आपने जितना किया जहां रजिस्टर होना हो गया, और बंगाल में भी टीएमसी से ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिल जाएगी। बाबा क्यों इतना है? हाँ दादा देखो, मैं बता दिया, चिंता मत करो, मैंने बता दिया। अधीरंजन जी प्लीज, अधीरंजन जी अच्छा नहीं लगता है, मैं इतना आदर करता हूँ, आप आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों नहीं करते? अरे भाई हद से ज्यादा क्यों कर रहे हैं आप? प्लीज अधीरंजन जी प्लीज, माननीय सदस्य दादा प्लीज, ये नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है, ऐसे कानून है उनके लिए ऑप्शन है, और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। हां ऐसा कोई कानून जो ऐसे थोप दिया हो उसके लिए विरोध का कारण बनता है, और इसलिए मैं कहता हूं लोगों को, और मैं देख रहा हूं आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते, आंदोलन जीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं, और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके, और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है, और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। ये जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीके जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, नाम सब जानते हैं। आप बोलो, आप डिस्टर्बेंस मत, हम दो हमारे दो। ये किसकी सरकार है? हम दो हमारे दो। माननीय सदस्य इधर तो
आसन को पहले कानून का इंटेंट बताता हूँ। आप आसन को संबोधित करें, पहले कानून का इंटेंट। माननीय सदस्य, आप आसन को हमारे दो मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज फल और सब्जी को बेचने का अधिकार, ये है पहले पहले कानून का इंटेंट। नुकसान किसका होगा? नुकसान ठेले वालों का होगा, नुकसान छोटे व्यापारियों का होगा, नुकसान जो लोग मंडी में काम करते हैं लाखों लोग उनका होगा। अब चलिए दूसरे कानून की इंटेंट की बात करते हैं। दूसरा कानून का इंटेंट दूसरे मित्र की मदद करने का है। दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज फल और सब्जी की मोनोपोली दी जा रही है। आज दूसरा मित्र 40% हिंदुस्तान का अनाज अपने साइलों में रखता है। ये कांग्रेस पार्टी की बैठक नहीं है, ये सदन है। और अगर बजट में साइलोज में रखेगा, ये कोई ये सभा नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं सर मैं आया ऑप्शन, मैं अध्यक्ष जी आपको कहना चाहता हूँ, आपने बजट के लिए जनता के लिए पुकारा, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट बैठिए माननीय सदस्य, प्रधान बजट पर चर्चा है, मैं आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर ही, मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है, तीन ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये तीन ऑप्शन आपने दिए हैं। आंदोलन कर रहे सभी किसान साथियों की भावनाओं का ये सदन भी और ये सरकार भी आदर करती है, आदर करती रहेगी। और इसीलिए सरकार के वरिष्ठ मंत्री, जब ये आंदोलन पंजाब में था तब भी और बाद में भी, लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं, किसानों के प्रति सम्मान भाव के साथ कर रहे हैं, आदर भाव के साथ कर रहे हैं, लगातार बातचीत होती रही है। और जब पंजाब में आंदोलन चल रहा था उस समय भी हुई है, दिल्ली आने के बाद हुई, ऐसा नहीं है। बातचीत में किसानों की शंकाएं क्या है वो ढूंढने का भी भरपूर प्रयास किया गया, उनसे लगातार कहा गया भाई अपन एक एक मुद्दे पर चर्चा करें। और नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इस विषय में विस्तार से बताया भी है राज्यसभा में, तो क्लोज बाई क्लोज चर्चा करने के लिए भी कहा। और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते उसमें बदल करने में क्या जाता है जी, ये देशवासियों के लिए है। अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिए है, लेकिन हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।